हेलो गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, एंड मेरी ढेर सारी गाइडेंस एंड मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगियों में खुश रहें, आबाद रहें। ठीक है, तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आखिर वो आपसे चाहते क्या है। समटाइम्स हमें समझ नहीं आता, पता नहीं चलता कि अगला बंदा हमसे आकर चाहता क्या है। ठीक है, तो वही क्लैरिटी लेकर आज की इस रीडिंग में मैं आई हूँ कि ये पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ऑब्वियसली आपने उनके ही बारे में सोचना है अगर आपको उनके बारे में सही जानना है तो, और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो बंदा आपसे चाहता क्या है और उनकी इंटेंशंस क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें बाय द वे आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे, देखेंगे आज पिके पाइल थोड़ी ना है। नो, आज तो कलेक्टिव रीडिंग्स है। हाँ, आज मैं कलेक्टिव करूँगी, पिके पाइल नहीं है आज। तो कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है तो ऑब्वियसली हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं होगी। जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करते हैं। कल लेकर आऊँगी पिके कार्ड। ठीक है, वैसे ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं कि मैम पिके कार्ड लेकर आएँ आप, पिके कार्ड लेकर आएँ। मैं काफ़ी दिनों से लेकर आ रही थी पिके कार्ड, आज मैंने सोचा कि थोड़ा मेरे पास टाइम की कमी है और मम्मा को भी देखना होता है ना, और फिर दूसरा चैनल है वहाँ पर भी रीडिंग होती है, वहाँ आपको पिके कार्ड मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम कलेक्टिव कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड निकल के आया है एट ऑफ वैंड्स का, और देखो कार्ड देखो कैसा है, ये बंदा भाग रहा है और पीछे टाइम को देख रहा है। टाइम इज रनिंग आउट। यहां पर है द हैंगमैन। क्या चाहते हैं ये पर्सन? द एम्परर। ओके, तो ये बात है, किसी एम्परर से डील कर रहे हो। सेवन ऑफ वैंड्स, दोनों में जंग चलती है मेरे ख्याल से। वो बोले मैं आगे ऊपर चढ़ूँ, वो बोले मैं चढ़ूँ, बीच में कोई इन्फ्लुएंस भी है, दूसरे लोगों का टांगे अड़ी हुई हैं। लेट्स सी, कुछ और देखते हैं, कार्ड देखूंगी उसके बाद इनको मैं आपको क्लैरिफाई करके बता दी जाऊँगी। और यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो कहाँ रखें द वर्ल्ड? हम द वर्ल्ड यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ओके ओके। और द चैरियट, कुछ लोगों को कमेंट में मैंने पढ़ा था, कुछ लोगों को मेरा ये चुलबुलापन अच्छा नहीं लगता है मुझे बड़ी हंसी आई कि आप ये फनी स्टफ करके ये वो फलाना मैंने कहा भाई मैं तो करूँगी किसी को बुरा लगता है तो लगने दो माँ की आंखें, मैं तो करूँगी भाई। जो लोग मुझे पसंद करते हैं और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, मैं उनके लिए करती हूँ, मैं औरों के लिए नहीं करती। ठीक है, मैं तो ऐसी ही हूँ और मैं ऐसी ही रहूँगी। एट ऑफ वैंड्स अगर आपको ट्रिगर करती हैं कुछ चीज़ें, तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी रीडिंग्स हैं। मुझे जो प्यार करते हैं वो मेरे साथ रहेंगे और मैं उनके साथ रहूँगी। सिंपल लाइफ को सिंपल बनाओ यार, नहीं होता जमता तो आगे बढ़ो। एट ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ एट ऑफ वैंड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पर मुझे साइंस जो दिख रहे हैं ना, पाइसिस है, एरीज और पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पर एक्यूरियस बहुत स्ट्रांग है, टॉरस बहुत स्ट्रांग है, बाकी के भी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, सारे ही साइंस यहाँ पर तकरीबन आ ही जाते हैं, लेकिन मैं स्ट्रांग वाले साइंस बता दूँ। देखो सारे साइंस आ जाते हैं, ठीक है, जब हम कार्ड्स निकाल रहे होते हैं ना, सारे साइंस आ जाते हैं। आपको मैं सिर्फ वो साइंस ज़्यादा बता रही होती हूँ जो स्ट्रांगली मुझे फील हो रहे होते हैं, जैसे पाइसिस है, एरीज है, स्कॉर्पियो है, टॉरस है, सॉरी स्कॉर्पियो नहीं, एक्यूरियस है, टॉरस है, कैंसर भी है, चैरियट की एनर्जी बॉटम में है। तो यहाँ पर नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है और यहाँ पर बॉटम में नाइन ऑफ पेंटिकल। ओ देखो, एक बात यहाँ पर क्लियर है, ये बंदा क्या चाहता है आपसे, जो भी पर्सन आपके माइंड में। देखो ये जो पर्सन है ना,
इस पर्सन ने मे बी आपको आपको स्टक रखा हुआ है, आपको कोई क्लोजर नहीं दे रहा है, आपको ना ये बंदा आगे बढ़ने दे रहा है ना पीछे, मतलब ना खुद अपना रहा है ना ही किसी और को अपनाने दे रहा है। ये पर्सन जो है ना, मे बी इस पर्सन ने नाइन ऑफ वैंड्स, इस पर्सन के ऊपर बोझ बहुत सारे हैं, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं, टेंशन इस पर्सन को बहुत सारे हैं, यानी कि इसकी भी जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है, उसकी भी जिम्मेदारी मुझे पूरी करनी है, घर की भी मुझे करनी है, यहाँ बाहर की भी मुझे करनी है, इस बंदे के ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, ठीक है। और इस बंदे का अपना भी कोई एक होता है ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के आसपास हैं। तो अब इस पर्सन ने ना आपको पास्ट में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई डोंट नो पास्ट की क्यों, मैं पास्ट नहीं बोलना चाह रही हूँ लेकिन पास्ट बोला जा रहा है, आई डोंट नो, बट इस पर्सन ने ना आपको वेट बहुत करवाया है या ये करवा रहा है। अगर रिसेंटली भी आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हो ना, आपको इस पर्सन की समझ में नहीं आ रही है, ये पर्सन आपको वेट बहुत करवा रहा है। अभी इस वक्त ये पर्सन पता है क्या सोच रहा है, ये पर्सन सोच रहा है यार टाइम भागा जा रहा है, ये आगे बढ़ती जा रही है या बढ़ता जा रहा है, नाइन ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, बॉटम एनर्जी में नाइन ऑफ पेंटिकल यानी आपकी एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आप जो हो ना आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपने आप को आगे बढ़, ये आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, दे लाइक यू अ लॉट, दे मिस यू, दे लाइक यू। अब इस पर्सन को लग रहा है आपका, आपके हाव भाव और आपका बिहेवियर देखकर, आपके जो रंग ढंग हैं वो देखकर, इस पर्सन को लग रहा है कि यार अगर मैंने अब नहीं किया ना, अब अगर मैंने इस पर्सन को अप्रोच नहीं किया ना और मैं इसी तरह बैठा रहा ना और मैं इसी तरह दूर दूर से देखता रहा तो फिर बात ख़त्म हो जानी है, ये पर्सन आगे बढ़ जाएगा और टाइम इज़ रनिंग आउट, टाइम भागता जा रहा है, अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बहुत हो चुका, बहुत मैंने उसको इंतज़ार करवाया है, अब टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, अब भाई साहब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा लटका के रखा हुआ है, भले अब ये कोई नया पर्सन है या कोई ओल्ड है मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी एनर्जीज़ में ये चीज़ आ रही है तो मैं बता रही हूँ। मैं जानबूझकर यहाँ पर ओल्ड पर्सन को दावत नहीं देती हूँ कि भाई साहब आ जाओ यहाँ पे, एनर्जी में आ रहा है तो किसी के लिए तो होगा, अगर जिसको नहीं पसंद तो अगर जिसका कोई नया पर्सन है लेट्स से या ऐसी कोई सिनेरियोज एनर्जीज नहीं है तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए नहीं है बच्चा, समझ लो जनरल रीडिंग हो रही है। अगर बहुत ज़्यादा जानना है तो पर्सनल रीडिंग ले लो। स्ट्रेंथ, देखो अब इस पर्सन के अंदर, ओ माई गॉड एम्परर, पता है प्रॉब्लम क्या है इस बंदे का सबसे बड़ा, क्या है प्रॉब्लम, क्या चाहता है ये बंदा, ये ईगोस्टिक बंदा है। यहाँ पर भी एम्परर है, यहाँ पर मैंने आपसे शुरू में क्या कहा था, आप किसी एम्परर से डील कर रहे हो क्या, ये बंदा बहुत ईगोस्टिक है। या तो आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, जब एम्परर आता है तो आपको पता होता है एम्परर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, एम्परर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं दिखाता है कि ईगोइस्टिक, एम्परर वो होता है जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी, घर का प्रेशर है, घर का बड़ा है, या फिर मैरिड है, ऑलरेडी कमिटेड है, ठीक है, या सिंगल पेरेंट्स है लेट्स से, जो भी है, एम्परर ऐसी एनर्जी में होता है, या तो बहुत ही ईगोइस्टिक है, अगर लेट्स से मैरिड नहीं है, कोई मसले नहीं है तो इसका अपना माइंड का कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा होता है, ये बहुत ईगोइस्टिक होता है, इसका ईगो इसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, तो कहीं ना कहीं इसका ईगो इसको स्टक कर देता है। स्ट्रेंथ, ये बंदा अपनी ईगो को, इस बंदे को लगता है यार मैं एम्परर और ये बंदी मुझे टेम कर रही है, देख लो ये इस तरह का है, ये बंदा बहुत ही स्ट्रांग है, लॉयन, लाइक अ लॉयन, और आप अगर इसको इस तरह से कंट्रोल कर रहे हो तो वो चीज़ इसको कहाँ से अच्छी लगेगी, ये स्टक है, हैंग्ड मैन, ये आपको भी इसीलिए स्टक करके रखा हुआ है इस पर्सन ने। इसीलिए आप कंफ्यूज हो शायद, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा चाहता क्या, इसीलिए शायद आप ये रीडिंग आपने खोली और आप इस रीडिंग पर आए और आपने देखा है, क्योंकि इस रीडिंग का टॉपिक ही ये है कि व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते हैं आखिर ये बंदा, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो, स्टक हो जाते हो कि यार ये बंदा चाहता क्या है, समझ से बाहर है, कभी तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, कभी हॉट हो जाता है, कभी ईगो पे बात लेकर आ जाता है, आखिर ये चाहता क्या है, इसने क्यों मुझे इतना ज़्यादा, हालांकि मैं आपको बताऊँ ये बंदा आपसे डरता है, अपनी फीलिंग से डरता है, क्योंकि ये पर्सन कभी किसी के सामने झुका नहीं है या झुकी नहीं है, और जब आप आ जाते हो सामने तो इस पर्सन को समझ में नहीं आता कि किस तरह से रिएक्ट करूं, क्या करूं, क्योंकि इन्फिनिटी है ऊपर, एट नंबर, एट डेस्टिनी, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है तो क्या ही कहने। देखो बेशक आप दोनों का पाथ अलग हो, बेशक आप दोनों की सोच अलग हो, लेकिन डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, जब डेस्टिनी मिलवा रही है तो कोई क्या ही करेगा, किस्मत में लिखा है तो कोई क्या ही करेगा। Why this emperor is here? Please emperor को clarify कीजिए, क्या इसका दिक्कत है, क्या ऐसे बोझ हैं जो ये उठा नहीं पा रहा है। Why this emperor is here? The high priestess. I think two of swords की एनर्जी है यहाँ पर, I think you know that.
आपको कहीं ना कहीं नोइंगली अनोइंगली ये सारी चीज़ें समझ आती हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हो, द हाई प्रिस्टिस। और पता है क्या, ये पर्सन आपको एक हाई प्रिस्टिस की तरह देखता है। इस पर्सन को लगता है कि अब आप उनसे चीज़ें छुपाने लगे हो, अब यू नो मैं एक एम्परर हूँ, लेकिन उस बंदे को लगता है कि आप एक हाई प्रिस्टिस हो। अगर मैं एम्परर हूँ, मैं अपनी ईगो में रहता हूँ, तो आप भी कम नहीं हो, आप एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हो। आप ना बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत शार्प हो, आपको इनकी हर एक्ट का पता है। आपको ये भी पता है कि मैं ईगो दिखाता हूँ, इनको पता है कि तुम्हें ये सब सारी चीज़ें पता है कि मैं तुम्हें ईगो दिखाता हूँ, मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ हम दोनों के मामले को लेकर। तो यू नो डीप डाउन आप, मुझे लगता है आपको पता है कि क्या सिचुएशन है, कि ये बंदा आपसे क्या चाहता है, लेकिन आप सिर्फ क्लैरिफाई करना चाहते हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ कंफर्म करना चाहते हो इस बंदे से कि आपको अच्छी तरह पता है कि ये बंदा क्या चाह रहा है आपसे। क्योंकि यहाँ पर भी देखो मून है, टू ऑफ सोर्ड्स ऊपर मून है, यानी कि इसके इसके नीचे भी मून है, काफ़ी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, मतलब क्लैरिटी नहीं है कनेक्शन में। और सच कहूँ तो आपको पता है, लेकिन शायद आप उस चीज़ को अभी समझ नहीं पा रहे हो। आप समझने की थोड़ी सी कोशिश करोगे ना, चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में हो। आपका इंट्यूशन जो कह रहा है ना आपके बारे में, आप उसको लेकर कंफ्यूज्ड हो कि नहीं ये बात सही है या गलत है, सही है या गलत नहीं। आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही बोल रहा है, आपका इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रहा है। यस, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वरना आती नहीं। ये बंदा और ये स्ट्रेंथ, ये पर्सन अपनी कमज़ोरी से डरता है कि अपनी आप इसकी स्ट्रेंथ हो, आप इस पर्सन को टेम करते हो। ये चीज़ आपको बताने से ये बंदा कतराता है, क्योंकि इसको लगता है कि ये तो मेरी कमज़ोरी है जो मैं इसको बता दूंगा। और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से पता है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो। आपको पता है लेकिन आप ना उस बंदे का एक्ट देख कर, ये जो ईगो दिखाता है ना, इस चीज़ को देख कर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। और कभी कभी आप इस बंदे के सामने हार भी जाते हो, बात भी कर लेते हो चुप करके, चलो ठीक है अब बात कर लेते हैं, खैर है, ऐसा करते हो। ऐसा मत करो, थोड़ा सा इस बंदे को टाइम दो, ये खुद ही अपनी ईगो को ख़त्म करेंगे। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो। वैसे सेवन ऑफ वैंड्स इज हेयर, सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? सेवन ऑफ वैंड्स दो कार्ड आए हैं, फाइव ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। देखो अभी यहाँ पर बात बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पर भी पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर इस वक्त आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो, या सम रीज़न किसी भी वजह से, या बहुत लेस कॉन्टेक्ट है, ये पर्सन आपके बगैर देख रहे हो फाइव ऑफ कप्स, ये बंदा बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, ये बंदा इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाहता है, हार नहीं मानना चाहता है, ये बंदा हार नहीं मानना चाह रहा है। देख रहे हो यहाँ पर भी सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, ये बंदा हार नहीं मानेगा। ये ऊपर ये बड़ा तगड़ा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच कोई तीसरा बंदा है, या बंदा है या बंदी है भाई, या आपकी तरफ से या इनकी तरफ से कोई तो है, फैमिली है या कोई बंदा है, कोई पर्सन है जो के देखो ये जो है ना, ये कैट ये ऊपर ऐसे, इसको सपोर्ट करने वाले बहुत हैं और ये नीचे बैठा हुआ है, लेकिन ये हार नहीं मान रहा, ये हार नहीं मान रहा, सॉरी, इसने इसको नीचे कर दिया है, लेकिन ये ऊपर आके बैठ गई है बिल्ली, ये हार नहीं मानना चाह रही, ये इसको पता है कि कुछ भी करके मैं तुमको हराऊंगा, नीचे तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा मैं, नीचे मेरा वज़न ज़्यादा है, यू नो मेरा पावर ज़्यादा है। या तो आप दोनों की एनर्जी, या तो आप दोनों इस तरह हो, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हो, दोनों एक दूसरे को अपना ईगो दिखा रहे हो, वो भी दिखा रहे हैं आप भी दिखा रहे हो, दोनों नीचे रखने के लिए अपने हथियार डालने के लिए तैयार ही नहीं हो। और ये चीज़ इस पर्सन को डिसअपॉइंटेड भी बहुत ज़्यादा कर देती है, अगर आप दोनों ही हथियार डालने को तैयार नहीं, आप भी बात नहीं करें, उन्होंने भी चलो ठीक है तुमने नहीं करनी नहीं करो, मैंने भी नहीं करनी, जाओ, तो अब ये पर्सन खुश भी नहीं है और ना ही आप खुश हो, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि मून की एनर्जी आई थी। दोनों चीज़ों को छुपाते हो, दोनों अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि आखिर चाह क्या रहे हो तुम, ना रखते हो ना जाने देते हो, नहीं होती हूँ तो छुप छुप कर देखते हो, यू नो मेरा सोशल साइड भी चेक कर रहे होते हो। यहाँ पर भी एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यस, ये पर्सन आपको छुप छुप कर देखते हैं, आपका सोशल साइड देखते हैं, किसी फेक आईडी से देखते हैं, या जैसे भी देखते हैं। आप दोनों शायद समझ नहीं पा रहे हो कि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, यहाँ पर नंबर 8 है, इन्फिनिटी डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलवाया है।
मे बी आप कभी कभी पूछते हो इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन से कि ये क्या है, ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि बंदा मेरे से चाह क्या रहा है या मैं खुद से क्या चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ। ये जो भी है कनेक्शन डेस्टाइन कनेक्शन है, इस चीज़ को शायद आप भी समझ नहीं पा रहे हो, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको समझने की ज़रूरत है। आप बहुत इंट्यूटिव हो, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कह रही है इस बंदे के बारे में, ये एम्परर है और आपकी इंट्यूशन इस बंदे के बारे में आपको कुछ बता रही है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, क्या बता रही है बताओ। क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ये जर्नल रीडिंग है, हर किसी का जो सिनेरियो है वो अलग होगा इस पर्सन के साथ। तो आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है वो बिल्कुल सही है। मे बी इस वक्त आपकी इंट्यूशन आपको ये भी बोल रही होगी कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ ही रहना है और मुझे यकीन है कि ये पर्सन अपनी ईगो को छोड़कर मेरे पास आएगा, मुझे अपनाएगा, मुझे चूज़ करेगा, मुझे सेलेक्ट करेगा, मुझे पूरा यकीन है। तो अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है तो बिल्कुल यही सही है, क्योंकि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, दे लाइक यू, और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रोमांटिकली भी फीलिंग्स रखते हैं। बाय द वे यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, बात तो करना चाहता है ये पर्सन, क्योंकि मुझे यूँ भी फील हो रहा है मे बी इस पर्सन को किसी और ने ऑफ़र करी है ये नाइट ऑफ, इस पर्सन को किसी और ने, ये देखें ये भी दो कप लेकर खड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी कप लेकर खड़ी हुई हैं। अगर ये मेल हैं या फीमेल, इनको कोई और ऑफ़र कर रहा है लेकिन ये उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपने में ही दुख में मगन है, ये आपको खोने के दुख में, नहीं मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ऑफ़र, मुझे वो चाहिए जो मैं चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या चाह रहा हूँ। बड़ा उलझा हुआ बंदा है, अपनी ईगो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बस बात यहाँ पर सिर्फ ईगो की है, अपनी ईगो छोड़ने के लिए ये बंदा मुकम्मल तैयार नहीं है। हालांकि इसको कहीं और से ऑफरें भी आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हैं, या आपको भी आ रही होंगी, लेकिन उस तरफ वो नहीं देखना चाह रहे। वाई दिस द वर्ल्ड इज़ हेयर, मे बी आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो, वर्ल्ड की एनर्जी ये भी बताती है कि ये आपको सोशल साइट पर मिले हैं, इंटरनेट पर मिले हो, या डिस्टेंस है, सिटी कंट्री चेंज हो सकता है इनका, आपका, दोनों का। Why this world is here? World की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? Why this world is here? कार्ड ही नहीं आ रहा, आ गया। Three of Pentacles. Oh, Ten of Pentacles. Oh my God. Taurus, Virgo, Capricorn. देखो अगर मैंने पहले आपसे क्या कहा था कि जब Emperor आता है इसका मतलब ये बंदा कहीं और committed है, हो सकता है ये person already married हो। ये देखो आप यहाँ पर इसका wait कर रहे हो लेकिन इसका family है, बच्चे हैं, क्या करे। बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, सबके साथ नहीं होगा। और अगर मैरिड नहीं है लड़ से तो फिर ये इनकी फैमिली है, टेन ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपके साथ डील करना चाहते हैं, विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ से हटकर ही आपके पास आना चाहते हैं। वर्ल्ड ये इस डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं, चैरियट की एनर्जी, ये आपके पास आना चाहते हैं। चैरियट यानी मूवमेंट, यानी आपके पास आना है, आपके पास, तुम्हारे पास आना है मुझे, मुझे वहाँ पे डील नहीं करना। मुझे पता है तुम मेरा वेट कर रही हो, मुझे पता है तुम मेरा वेट कर रही हो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ डील करना है। बट दे डोंट नो कि ये डिस्टेंस हटेगा कैसे, इसीलिए ये बंदा इसी तरह कंफ्यूज रहता है और आपको भी कंफ्यूज करता है, इसीलिए आपको भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये चाहता क्या है। क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल है, ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। मे बी आपको कोई वर्क की ऑफर कर दें, लेट से हो सकता है, या फिर इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, या आपसे बात करें, आपको यू नो कॉल मैसेज टेक्स्ट इनका आ सकता है, आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर भी इनकी जिम्मेदारियाँ हैं अगर ये फैमिली है तो। अगर ये मैरिड हैं तो, अगर अनमैरिड हैं तो फैमिली का इशू है, मदर इशू है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली है टेन ऑफ पेंटिकल। और इनको पता है कि आप इनका वेट कर रहे हो, बाय द वे इनको पता है। इनके पास डॉग्स हो सकते हैं, वाइट या कैट या डॉग। यहाँ पे चैरियट क्यों है, बॉटम में चैरियट की एनर्जी क्यों है, क्या चाहते हैं ये, चैरियट क्यों है यहाँ पे। आपकी इंट्यूशन बाय द वे आपको बिल्कुल सही परफेक्ट बता रही है कि ये बंदा मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे साथ ये यू नो बिजनेस करना चाहता है, या मेरे साथ ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहता है। ये जहाँ पर भी है वहाँ पर खुश नहीं है, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल परफेक्टली सही बता रही है। लेकिन इस बंदे की ईगो बहुत बड़ी है, आपको ये भी आपकी इंट्यूशन बताती है कि यार ये ईगोस्टिक भी बहुत ज़्यादा है, ये अपनी ईगो नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे आ गए, वाई दिस चैरियट इज़ हेयर, वाई दिस चैरियट इज़ हेयर। ओहो
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखो ये बंदा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को पता है कि आपके जैसा प्यार क्वीन ऑफ पेंटिकल यानी आपके जैसा लव, केयर, नर्चरिंग, सपोर्टिव बंदा इनको नहीं मिल सकता। ये आपसे ना अब फेस टू फेस, ओ देखो यहाँ पर क्या था, द टाइम इज़ रनिंग। इस पर्सन को ना एक चीज़ समझ आ रही है कि यार अब वक्त जो है वो बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। मे बी आपने इस पर्सन को क्लियरली बोल दिया है कि भाई ठीक है, मैं फैसला कर रही हूँ या मैं फैसला कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करना है, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने मुझे लगता है फाइनल डिसीजन इस बंदे को सुना दिया है, अब इसकी बारी है। इस पर्सन को अच्छी तरह पता है कि आपने इनको बहुत लव दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत केयर दिया, अब फाइनली आप इनको डिसीजन बता चुके हो कि भाई अब बस बहुत हो चुका है, ठीक है, मुझे अब ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अब ये पर्सन को लगता है कि यार वक्त भागा जा रहा है, अब अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। ये पर्सन आपसे फेस टू फेस मिलने के लिए आ रहे हैं बाय द वे, ये आपको सामने से देखकर इनको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उनको सामने से, सामने बैठकर ही हल किया जा सकता है, उनको सामने बैठकर ही फेस टू फेस मिलकर ही उनके मसलों के हल निकाले जा सकते हैं। मुझे लगता है टाइम इज ओवर, टाइम ख़त्म हो चुका है। इस पर्सन को भी लगता है कि अब टाइम ख़त्म हो चुका है, अब वक्त आ चुका है, टाइम बहुत करीब है यूँ समझ लो, अब वक्त आ चुका है कि एक्शन लिया जाए, अब वक्त आ चुका है कि बात की जाए, अब वक्त आ चुका है कि कोई ना कोई फैसला दिया जाए, अब वक्त आ चुका है कि बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेशन किया जाए, अब वक्त आ चुका है, भागने का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब वक्त बिल्कुल करीब है, बहुत टाइम हो गया हम दोनों इस कनेक्शन में रहे हैं, अब क्लोजर देने का वक्त आ चुका है, अब उसको बताने का वक्त आ चुका है, आर या पार करो। क्योंकि इस पर्सन को ये भी दिखता है कि भाई अब अगर मैंने और देर कर दिया तो बात ख़त्म, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, आप शायद इनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाने लगे हो, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, आप एक मिस्टीरियस होते जा रहे हो। तो इस पर्सन को लगता है कि भाई अब तो लगता है मैं देर कर चुका हूँ या देर हो चुकी है, टाइम इज़ रनिंग आउट, मुझे अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब नहीं तो कभी भी नहीं कर पाऊंगा, वरना हो सकता है कि ये मुझे रिजेक्ट कर दे और आगे बढ़ जाए। और यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी है इसके नीचे, यस ये आपके सोलमेट हैं, आप दोनों का सोल कनेक्शन है और ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं द स्टार, या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको ड्रीम्स में ज़रूर आते होंगे या कोई रिसेंटली आपने कोई ऐसा ड्रीम देखा होगा ज़रूर। लेट्स सी इनकी इंटेंशंस क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं और क्या है यहाँ पर इंटेंशंस, और कुछ आता है क्या, क्या करना चाहते हैं अब ये नेक्स्ट, क्या करना चाहते हैं, अगर मिलेंगे तो किस इंटेंशन से मिलेंगे, क्या है कुछ पता है कुछ, क्या है आगे क्या होगा। इंगेजमेंट रिंग और कुछ करना चाहते हैं, द स्वर्ड एंड रोज, क्लैरिटी, ट्रुथ, फोर्स, हॉनर, प्रोटेक्शन, पावर। ओ माय गॉड, ये बंदा तो भाई पैशन, ये बंदा तो भाई साहब, ये पर्सन इस बार आपसे फेस टू फेस इसीलिए भी मिलना चाहते हैं, जो इनकी इंटेंशंस है, ये क्या चाहते हैं ये बंदा, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ये बंदा अभी कुछ ऐसी बात आपसे करने वाला है जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, आपके लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा मतलब मानना बहुत अजीब होगा, आप फील करोगे ये बंदा ऐसी बातें कैसे कर रहा है, आप शायद ये सोच भी नहीं सकते हो, ये पर्सन आपको कुछ ऐसा बोलने वाला है, बिल्कुल क्लियर टू द पॉइंट ये बात करने वाला है, बिल्कुल सच्चाई आपके सामने रखेगा, कोई बात इसने छुपाई है आपके सामने वो सच्चाई रखेगा, कोई बात करना चाहता है आपके सामने रखेगा, शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, एंगेजमेंट करना चाहता है, जो भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये बात क्लियरली आपके सामने रखने वाला है, और वो बात इतनी क्लियरली होगी विद दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, ये द वर्ल्ड की एनर्जी है, अगर इनका सिटी कंट्री चेंज है ये वहाँ से मिलने के लिए आपके लिए आएंगे, और एकदम ये बात इस बार ये बंदा बिल्कुल क्लियरली, बिल्कुल रैशनल और प्रैक्टिकल होकर आपके सामने बात रखने वाला है, और हो सकता है कि ये पर्सन आपको टाइम दे, टाइम रिमेंबर टाइम, ये बंदा आपको टाइम दे कि मुझे, और बात कुछ ये ऐसी रखेगा आपके सामने कि आप बिल्कुल उसमें आ जाओगे, सकते में कि यार मैं अब इसको क्या आंसर दूँ, मैं इसको क्या आंसर दूँ, आप परेशान हो जाओगे कि ये बंदा इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी बात कर रहा है, ये मतलब क्लियरली मुझसे बात कर रहा है, ये अपना मास्क, सारे मास्क उतार के सामने आएंगे आपके, सारे मास्क, जो भी मास्क है, जो भी इन्होंने छुपाया हुआ है, जो भी इन्होंने फीलिंग्स छुपाई हुई है, जो भी कुछ, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आएंगी। ये बंदा आपको लिटरली चेस करने वाला है, लिटरली, अगर आप इनके सवाल का जवाब नहीं दोगे, इनसे भागोगे, ये आपको चेस करेंगे, ये बार बार आपसे पूछेंगे, यहाँ पर एक्स की एनर्जी है, मे भी किसी किसी के लिए ये उनका एक्स हो, ठीक है, क्योंकि एक्स की एनर्जी है, ब्रेकअप, सेपरेशन जिसके साथ आपका हुआ है, देख लो कार्ड,
किसी किसी के लिए उसका एक्स है, जिसको पहले आप चेस करते थे वो आपको चेस करेगा। मुझे ये लग रहा है बाय द वे कि ये कुछ ऐसी बात आपसे कहेंगे जिसका आंसर ये आपसे उसी टाइम मांगेंगे, आपसे आपको टाइम देंगे कि विदिन दो दिन, तीन दिन, दो घंटे मुझे जवाब दो। या किस इज़ ओ माई गॉड अबंडेंस, ये आपसे पर्सन बोलेंगे कि भाई मैं तुम्हें दो दिन का टाइम देता हूँ, दो घंटे का टाइम देता हूँ, चार घंटे का टाइम ले लो, ठीक है एक दिन का टाइम ले लो, मुझे बताओ, मुझे क्लियरली द गोल्डन मिरर, यस लव, ये अपना लव लेकर फाइनली ये बंदा, इसको बंदे को पता चल चुका है कि भाई मुझे जाना है, मुझे अब नहीं तो कभी भी नहीं। ये पर्सन आपसे क्लियरली बात करने वाले हैं और कुछ ऐसी बात करेंगे कि आपको उसी टाइम ये आंसर मांगेंगे, भाई मुझे अब आंसर दो, तुम क्या करना चाह रहे हो या क्या करना चाह रही हो, एक घंटा, दो घंटा, दो दिन, जो ले लो, लेकिन मुझे आंसर दो। मैं भी कुछ ऐसी बात ये बोलें, शायद आपके लिए थोड़ा अभी मुश्किल हो जाए ये सब उनको, मतलब उनको जवाब देना। हो सकता है कि अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब आप चीज़ों को समझ चुके हो, अब ये पर्सन अगर ऐसी कोई बात आपसे बोलता है, शादी, इंगेजमेंट, मैरिज, तो हो सकता है आप थोड़ा सा पीछे हटो, आपको थोड़ा सा सोचो मैं, आप ये बंदा डाल दे कि यार अब मैं क्या करूं, हाँ पहले मैं ज़रूर ऐसा चाहती थी लेकिन अब मुझे, अब मेरा फोकस कहीं और है, या अब मैं अपने लिए कुछ और ज़िंदगी के बारे में सोच रही हूं या सोच रहा हूं, अब मैं अपनी ज़िंदगी को पैसे रुपये को आगे बढ़ाना चाह रही हूं, अब मुझे थोड़ा टाइम, अब जब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए तो इसको जल्दी पड़ी हुई है, अब ये मुझसे क्लियरली टू द पॉइंट बात मांग रहा है या मुझसे जवाब मांग रहा है, अब मैं इसको क्या जवाब दूं, और वो भी इतने कम टाइम पीरियड में क्या जवाब दूं। तो ये आपको चेस करेंगे अब बाय द वे, अगर आप इनको जवाब नहीं दोगे ये आपको चेस करेंगे, बिकॉज ये बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। इस पर्सन ने आपको बहुत जगह, हर जगह कंपेयर किया, हर जगह ढूंढा, कहीं पर भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाया ये बंदा। इन्फिनिटी शुरू से ये चीज़ आई है, आप इस पर्सन को पता है कि ये कनेक्शन, ये डेस्टाइन कनेक्शन है भाई, इन्फिनिटी नंबर 8 डेस्टिनी नंबर होता है। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि पहले ये रिलेशनशिप ओनली वन साइडेड रहा हो, अब आप आगे बढ़ चुके हो, अब ये पर्सन, इस पर्सन को पैशन हो रहा है, अब इस पर्सन को लग रहा है कि यार अब टाइम शायद मैंने, या टाइम मैंने ख़त्म कर दिया या गंवा दिया, कुछ तो यहाँ पर टाइम से रिलेटेड है। आई मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि दिस हाई प्रिस्टिस, आप कोई टैरो रीडर हो क्या हो आप बहुत इंट्यूशन आपकी तेज़ है, आपको ऑलरेडी पता है ये सारी चीज़ें, आपको आपके आंसर्स पता हैं, यू नो दैट, कोई तो यहाँ पर है, या आप हो या ये पर्सन है जो बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत ही साइकिक है, बहुत ही इंट्यूटिव है, जिसको पता है कि आगे क्या करना है। सो दैट्स इट, मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है, आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, फीलिंग्स क्या हैं, इनकी इंटेंशंस क्या हैं, वो भी पता चल चुका होगा। आई होप कि काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।